हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीजे क्लास में। बेल्ट्रॉन का जो ऑनलाइन फ्रेंड्स डीओ रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, उसका मैंने वीडियो अपलोड किया था और उसका जो है मैंने चलान भी जनरेट करके दिखाया था। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि चलान जनरेट करने के बाद जो बैंक में जमा कीजिएगा, उसके बाद आपको ऑनलाइन फिल कैसे करना है चलान का डिटेल्स, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए कि चैनल का जो डिटेल्स है वो ऑनलाइन कैसे भरना है आपको। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है बेल्ट्रॉन का जो फॉर्म निकला है डीओ रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे। उसके रिगार्डिंग में मुझे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं, उस सबका मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत जल्द आप लोग को मिल जाएगा आज या कल तक में। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मुझे पूछे जा रहे हैं कि इसमें कितने सीट हैं, कितना एज क्वालिफिकेशन है, कितना इसमें क्या क्या मांग गया है, एग्ज़ाम किस तरह से होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, क्या सिलेबस है, सब दोस्तों इस वीडियो को मैं बताऊंगा आपको आगे जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा इसके लिए ऊपर एक नया वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, इसे मैं बताऊँगा कि आप जो है ऑनलाइन चलान फिलिंग कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं ये चलान है जो आप ऑनलाइन फी जो फॉर्म भरिएगा, तो उसके बाद जो है सब कुछ एजुकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन वगैरह, बेसिक डिटेल्स, प्रोफाइल वगैरह, फ़ोटो, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फाइनली जो है आपको जो है ये चलान जनरेट होगा। लेकिन ये जनरेट होने से ही आपको जो है फाइनल सबमिट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जो है लेकर के जो मैंने बताया था आपको कि बैंक जाना है और बैंक में आप जो लेके जाइएगा तो वहाँ पर आपसे जो पैसा है यहाँ पर 1,050 रुपये, 1,000 रुपये फ़ी है और 50 रुपये उसका बैंक चार्ज है। 1,050 रुपये लेगा और यहाँ पर है वो अपना बैंक का जो है IFSC नंबर डालेगा, ट्रांजेक्शन नंबर क्या डालेगा और यहाँ पर डेट ऑफ डिपॉजिट, किस डेट में आपको वो चलान जमा लिया वो डालेगा और आपको जो है एक प्रति वो दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आप दिखाते हैं इसको, जो आप बैंक में सब कर लीजिएगा तो आप फिर इसको कैसे ऑनलाइन फिल कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है वेबसाइट पर आ जाइएगा और यहाँ पर जो मेन वेबसाइट है आपका खुलने के बाद यहाँ पर दिखा रहे हैं डीओ रजिस्ट्रेशन न्यू, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा और यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। ठीक है, यहाँ जो आपका है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और उसके बाद डालना है पासवर्ड और यहाँ डालना है कैप्चा कोड और सबमिट कर देना है। जैसे ही कीजिएगा तो आपका जो है ये खुल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये खुल के आएगा तो ये आपको इस तरह का रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का रहेगा, इसमें आपको पूरा डिटेल्स वगैरह है सब कुछ देख लीजिए आप लोग। उसके बाद जो है यहाँ से आप प्रिंट एप्लीकेशन कर सकते हैं, प्रिंट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और आप जो है हमको चलान का डिटेल्स है वो फिल करना है, तभी जो है मेरा फाइनली फिल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह का आएगा। यहाँ देखिए सबसे पहला पॉइंट है एप्लीकेशन प्रिंट, उसके बाद है चलान प्रिंट, अगर आप प्रिंट नहीं किए तो यहाँ से कर सकते हैं, उसके बाद है चलान डिटेल्स। तो हमको क्लिक करना है चलान डिटेल्स पे क्योंकि हमको उसका डिटेल्स भरना है, क्योंकि हम प्रिंट करके उसको बैंक में जमा कर दिए हैं। ठीक है, तो चलान डिटेल्स पे इसे क्लिक कीजिएगा तो उसका जो है पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ देखिए दिखा रहा है बैंक के जो नाम है वो इंडियन ओवरसीज बैंक, ये डिफ़ॉल्ट है, पहले से लिया हुआ, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी बैंक में जमा होगा। उसके बाद दिखा रहा है बैंक ब्रांच का IFSC नंबर, उस जो भी आप डिस्ट्रिक्ट में किए होंगे इंडियन ओवरसीज बैंक में, उस ब्रांच का जो है एक IFSC कोड रहता है, तो वो जो है यहाँ पर आपको वो लिख के देगा। ये देख रहे हैं यहाँ पर वो लिख के देगा। यही चीज़ जो है आपको यहाँ पर डाल देना है IFSC नंबर में। उसके बाद बोल रहा है ट्रांजेक्शन नंबर गिवेन बाय बैंक, जो आपको बैंक से दिया गया है ट्रांजेक्शन नंबर, जो कि आपको 4 करेक्टर से लेकर 18 करेक्टर तक रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए दिखा रहा है ट्रांजेक्शन नंबर, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा जब पैसा जमा कीजिएगा तो। उसके बाद डेट ऑफ चलान, आप किस डेट में, किस मंथ में और किस ईयर में किए हैं, ये जो डेट यहाँ पर रहेगा डेट ऑफ डिपॉजिट, वही चीज़ वहाँ पर डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद डालने के बाद सब कुछ सही डालिएगा। उसके बाद करना है आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो है डेटा पूरा वैलिडेट हो जाएगा और उसके बाद आपको सबमिट पे फाइनली जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है और ये आपको ऑनलाइन फिलिंग भरने के बाद ही जो फ्रेंड्स फाइनली सबमिट होगा, तभी जो है आपका नया एडमिट कार्ड इशू होगा और आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अगर आप चलान का फॉर्म जो आप बैंक में जमा करने के बाद ये अप्लाई नहीं कीजिएगा, यहाँ पर फिल नहीं कीजिएगा, तो आपको जो है फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलान जनरेट होने के बाद बैंक में उसको जमा कीजिए और जो उसका डिटेल्स है
एफ सी नंबर, चलान नंबर और उसका जो डेट वगैरह है, ट्रांजेक्शन नंबर सब डालने के बाद आपको सबमिट कीजिएगा, तभी आपको जो है फाइनल होगा। फ्रेंड्स इस तरह आप लोग कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।